रेडी क्या कहेंगे इसमें जो पेन ये रखा गया एग्जीबिशन कितना जरूरी था, इस तरह याद किया गया है 100 साल में। कैफी साहब की यादों को हम ताज़ा कर रहे थे, ये एक मौका था कि हम वो सोच जो है वो जिसको वो सिंबलाइज करते थे उसको हम दोबारा याद करके अपने आप को रीडेडिकेट करें। वो जिस किस्म की शख्सियत थी, द प्लूरल इंडिया दैट ही स्टूड फॉर, उसकी याद हम आज ताज़ा कर रहे थे और आई थिंक दैट वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी वर डूइंग हियर। पेन फाउंटेन पेन एग्जीबिशन है, क्या कहेंगे इस बारे में भी कैफी साहब जुड़े रहते थे? भाई जो लास्ट इमेज था कैफी साहब का जहाँ पर वो अपने फाउंटेन पेंस के साथ खेल रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे बच्चा खिलौनों के साथ खेलता है। वो मासूमियत, वो पाकीज़गी दोबारा कहीं पर हम अपने अंदर जगाएं, बिकॉज इन दिस एज ऑफ कम्युनिकेशन कहीं पर हम एक दूसरे से कट गए हैं, शायद ऐसे अपना मौक़े ऐसे हम दोबारा उसको रीइग्नाइट कर पाएँ। चलो देखिए, मैं समझता हूँ कि जो भी कैफी साहब को जानता है और उनका जो पेन से रिश्ता था और जो मोहब्बत थी वो जानता है, तो ये बहुत फितरी बात है और स्वाभाविक है कि हम पेन को देखें तो कैफी साहब का ख्याल आए और जब कैफी साहब के बारे में सोचें तो पेन भी याद आए। तो ये बड़ा उन दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है और वो तो जो राइटर होता है, पोएट होता है, कहानीकार होता है, कलम ही उसका औजार भी है और कलम ही उसका हथियार भी है। तो आज एक पेन जो है उनके नाम डेडिकेट किया गया है और हम लोगों को दिया गया है, ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छी बात है। आज का ऐसा टाइम है जावेद जी कि आप हर सवालों का जवाब देते हैं, आज का ऐसा टाइम आया है लोग उसी कलम से लिखते हैं और बोलते हैं कि आमिर खान एंड नसीरुद्दीन शाह जो ऐसे एक्टर हैं इन्हें सम्मान के लायक नहीं है। जो लोग लिखते हैं वो सम्मान के लायक हैं क्या? वही नहीं है बेचारे, तो अब उनके बारे में क्या सोचा जाए? पहले तो वो सम्मान के लायक बने, फिर बताए ना कि कौन सम्मान के लायक है, कौन सम्मान के लायक नहीं है। तो जो लोग खुद ही सम्मान के लायक नहीं है वो थोड़ी सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि कौन सम्मान के लायक है कौन नहीं है। कौन है? कुछ भी नहीं है वो। मैडम जी, आज के इस मौके पर आप कैसे याद करती हैं? देखिए, मैं जो हूँ इंडिया पेन फेस्टिवल को, विलियम पेन को, विशाल सिंह को, कालके को, जिन्होंने इसको इकट्ठा किया, उनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ। क्योंकि आज के दौर में जब सब सिर्फ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, बच्चे तो भूल भी गए और फिर उसमें बॉल पेन इस्तेमाल कर रहे थे, फाउंटेन पेन कितनी खूबसूरत चीज़ है और आपकी हैंड राइटिंग ठीक करने के लिए कितना ज़रूरी है। ये पेन फेस्टिवल एक बार फिर हमको री इंट्रोड्यूस कर रहा है फाउंटेन पेन से, और उसका केंद्र बिंदु अब्बा यानी कैफी आज़मी साहब को बनाया है क्योंकि ये उनकी 100th सेंटेनरी सेलिब्रेशन हैं और कैफी साहब को मटीरियल चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनको सिर्फ अपने कम्युनिस्ट पार्टी का कार्ड, उनकी किताबें और उनके 18 मोब्लांक पेंस थे, बस सिर्फ वही उनकी कुलियात जिसको आप कहते हैं उसका ख़जाना था। और इन्होंने कैफी साहब को ये ट्रिब्यूट पे किया है, आई थिंक इट्स वेरी बिफिटिंग एंड एज ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली आई एम वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू। आज का ऐसा टाइम आ गया है लोग उसी पेन से लिखते हैं कि आमिर खान एंड नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर देश में सम्मान के लायक नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये मायूस नहीं होना चाहिए क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि अटैक किया जाता है, लेकिन जब आप अटैक करते हैं और जब ऐसा लगता है कि रात बहुत अंधेरी है तो समझिए कि सुबह होने को भी है। Thank you.
चलता रहेगा। This way we go from here. Start from here. सर आज आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, वे क्या बता रहे हैं? Sorry.